सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि पाएं सभी खबरें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ जॉब अपडेट्स के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ जॉब अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। हो सकता है स्किप करने इसके दौरान कुछ ज़रूरी बातें जो आपसे मिस हो जाएंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो डालूँ तो आप तक वो पहले पहुँच सके। तो पहला जो अपडेट हो कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से आ रहा है। कोचिंग शिपयार्ड में बीटेक वाले के लिए कुछ जॉब्स निकले हुए हैं, जिसमें आप मैकेनिकल वाले, सीएस वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ पोस्ट निकली हुई है, इसमें बीटेक वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो परसेंटेज मांगा 65% मांगा हुआ है, और एसटीएससी वालों के लिए 55% मांगा गया है। इसकी जो एज लिमिट है वो 27 साल है, और जो एससीएसटी वालों के लिए 5 साल मिलेगा, और जो ओबीसी हैं उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको जो दूसरा स्टेज है, दूसरा स्टेज में आपको ग्रुप डिस्कशन में बुलाया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद अगर सफल होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी जॉब अपडेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ है। इसमें जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट निकली हुई है, जो सिविल ब्रांच है सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले लोग के लिए, दूसरे स्टेट के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500 रुपये, और जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 1200 रुपये लगेगा, और जूनियर इंजीनियर के जो है उसकी फीस रखी गई है 1000 रुपये, और 700 रुपये एसटी एसटी वालों की रुपये लगेगा। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 30 वर्ष रखी है, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर रहते हैं उनके लिए ये 30 वर्ष लगेगा, और जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई है, और जो एसटी एससी में आते हैं उनके लिए 40 वर्ष एज लिमिट रखा गया है। इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त 2018 का है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप इसमें भर सकते हैं। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो सिर्फ जॉब अपडेट बता रहा हूँ, इसमें कोई डिटेल खासकर अच्छे से दे नहीं रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसके एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। अगर किसी चीज़ का कमेंट डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। अब जितने भी अपडेट्स बता रहा हूँ सबके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगली जो अपडेट है वो एसएससी की तरफ से। एसएससी में कई कॉन्स्टेबल की बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, करीबन 54,000 पोस्ट निकले हुए हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। गनमैन और कई प्रकार के राइफलमैन की पोस्ट है, उसको मैं डिटेल से आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसमें जो पोस्ट निकली है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसमें जो पोस्ट निकली CRPF, NIA, SSF, राइफलमैन, CIASF, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें से आपको बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। इसका जो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष रखी गई है। SC ST वाले लोग के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th मांगा गया है। इसकी जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये है, और ST SC वालों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। इसकी लास्ट डेट 20 अगस्त 2018 रखी गई है। इसमें आपको कई जगह सेंटर मिल जाएंगे, जैसे आगरा, अहमदाबाद, भोपाल और भी कई जगह हैं। आप डिटेल में जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 200 नंबर का होता है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, जिसमें हाइट और दौड़ कूद भी रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में कई बातें छूट गई है, और मैं छोटी छोटी जो बात है उस चीज़ को बताया हूँ। मैं हर एक डिटेल के बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था। और अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे एक सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं भी उसके बिल्कुल उसको पूरी डिटेल को आपके सामने रखूँगा, और हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है, और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, एज लिमिट क्या है, कैसे फीस भरते हैं, उसकी छोटी छोटी बातें मैं उसको बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी बात को लेकर कोई डाउट है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और आगे से मैं धीरे धीरे जैसे जैसे और वीडियो बनाता जाऊँगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।